थैंक यू सो मच. यू डोंट नो आपने बाबा साहब को यहाँ लाके हमारी कितनी मदद की है. मैंने सब जगह ढूंढा, फिर जब मैं चौपाटी पहुंची तो मैंने वहां देखा बाबा साहब पानी के अंदर जा रहे थे. मैं पहुंच गई थी सही समय पर और उन्हें पीछे खींच लिया, वरना पता नहीं आज क्या हो जाता. जब वो अंकल से मिली ना तो इतनी खुश हो गई, ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जान में जान आ गई. मैं तुम्हारी बीवी हूँ, वॉचमैन नहीं. तुम्हारे घर वालों का ध्यान रखना मेरी ड्यूटी नहीं. पता है मैंने भी अपनी सास को अपने सर इतना नहीं चढ़ाया जितना तू मुझे चढ़ा रही है. शायद आपकी सासू माँ मेरी सासू माँ जैसी लविंग और परफेक्ट नहीं थी. नानी बन के रह गई है तुम्हारी काकी माँ. फुल टाइम कुक, फुल टाइम केयरटेकर. गॉड आई एम सॉरी, मुझसे ये सब नहीं होता. भगवान मेरी बेटी को सारी खुशियाँ मिले, इसके काम में तरक्की मिले, लाइफ में गाड़ी मिले और गाड़ी चलाने वाला भी. Excuse me. Yes, ma'am. Sir, just hold a second. Hi, I'm Janvi. I'm the interior decorator. मुझे आज इंटरव्यू के लिए बुलाया. Let me check, ma'am. Okay. Miss Janvi Agrawal. Yep, that's me. Ma'am, आज हमारे बॉस खुद आपका इंटरव्यू लेंगे. Oh, great. Ma'am, यहाँ से दाएं जाकर बाएं मुड़कर राइट कॉर्नर पर सर का केबिन है, ma'am. Okay. Thank you. Yes. राइट कहा था वो हो गया, फिर लेफ्ट भी ले लिया, इसके बाद कॉर्नर रूम. एग्जैक्टली यही तो है कॉर्नर रूम. ओके आप बहुत लेट हैं. और प्लीज शराब, मुझे कोई बहाना नहीं सुनना. लिसन आई कांट मीट यू, मेरी और भी मीटिंग्स. आप लेट, आपकी वजह से मैं बाकी मीटिंग्स डिले नहीं कर सकता हूं. एंड प्लीज मेक श्योर आगे से ऐसा कुछ ना हो. मिस्टर शर्मा, शर्मा, ओह गॉड, रिलैक्स. मैम यहां से नहीं, पीछे से बाएं मुड़कर राइट साइड में सर का कैबिन है. ही इज वेटिंग फॉर यू. ओके जल्दी जाइए मैम. काकी माँ रस्म शुरू करिए. हाँ बेटा. हाँ सादा जी, पहला हक आपका है मुंह दिखाई का. नहीं काकी माँ.
ताकि माँ, मैं जानती हूँ नेहा की मुंह दिखाई आपसे ही शुरू होनी चाहिए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप नेहा की मुंह दिखाई बिल्कुल लास्ट में करें और आप नेहा को कोई गिफ्ट ना दें, बल्कि उसकी तरफ से मैं आपसे जो मांगू आपको मुझे दे और इनकार ना करें। अरे ऐसा भी कोई करता है? ये क्या बात हुई? नहीं कोई बात नहीं, जैसे निशा बिन्नी को ठीक लगे, उसने जो सोचा होगा अच्छा ही सोचा होगा। तो बेटा आपका क्या मानना है, क्या रंगों की हमारी जिंदगी में कोई अहमियत है? क्या रंगों के बगैर जिंदगी खाली? सर मेरा तो मानना है कि जिंदगी ना बिल्कुल मूवीज की तरह होती है, अगर मूवी ब्लैक एंड व्हाइट हो तो सब कुछ फीका फीका लगता है, हर रंग अपने साथ एक कहानी लाता है, गहरा तो गहरे एहसास, हल्का तो जिंदगी की हल्की फुल्की खुशियों के पास। इन रियल सेंस हम रंगों को अपनी जिंदगी में पहले महसूस करते हैं और बाद में उन्हें देखते हैं, तो उनके बिना तो फीलिंग्स ओवर ही हो जाएंगी ना। तो बेटा आपकी जिंदगी में कौन से रंग ने सबसे ज्यादा असर दिखाया? सर अब कोई एक रंग कैसे हो, मैं अपनी जिंदगी में अलग अलग रंग भरती रहती हूँ सिचुएशन के हिसाब से, एंड यही फिलॉसफी मैं अपने काम में भी इम्प्लीमेंट करती हूँ जगह के हिसाब से। अब देखो बेटा हम तो रिटायर होने वाले हैं, अब ये हमारा चेंबर है, ऐसा तुम्हें लगता है कि इसका हुलिया बदलना चाहिए या नहीं? सर आई नो ये आपका पर्सनल मैटर है, बट आई स्ट्रांगली बिलीव कि घर हो या ऑफिस, कमांड तो बड़ों के हाथ में ही होनी चाहिए। अब बड़ों का आशीर्वाद रहेगा तभी तो काम फलता है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली बच्चों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। क्या हो बेटा? नहीं आप कंटिन्यू करिए, मैं बाद में आता हूँ। नहीं तुम्हें अजीब लग रहा होगा, मेरे पास कुछ नया नहीं है तुम्हें देने के लिए, ना ही कोई गिफ्ट है। एक्चुअली मैं आज तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि अब तक जो कुछ भी मेरा था आज से वो सब तुम्हारा है, ये घर, ये परिवार और इस परिवार का प्यार, सब कुछ तुम्हारा है, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ खास देना चाहती हूँ। ये कंगन मेरे सबसे पुराने और फेवरेट कंगन है, काकी माँ ने दिए थे मुझे और आज मैं तुम्हें दे रही हूँ, अब से ये तुम्हारे हैं। थैंक यू सो मच भाभी। काकी माँ, पता है नेहा, काकी माँ आदित्य के लिए यशोदा माँ है। आदित्य बहुत छोटा था जब उसकी माँ गुजर गई, तब भगवान ने काकी माँ के रूप में आदित्य को दूसरी माँ दी। सच काकी माँ, अगर आप नहीं होती ना आदित्य बिखर जाता, टूट जाता वो, और वही क्यों, जिस दिन से मैं इस घर में आई हूँ आपने मुझे भी उतना ही प्यार दिया, बल्कि मुझे कभी भी मेरी अपनी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। सच कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि आपने अपनी ममता भरी पोटली कहाँ छुपा रखी है। इतने साल हो गए आपने सिर्फ और सिर्फ हमारे बारे में सोचा है, इस घर के बारे में, अपने परिवार के बारे में, हमारा ख्याल रखा है, हमारी जरूरतों के बारे में सोचा है, आदतों के बारे में, अपने बारे में कभी नहीं सोचा। अब बस
वक्त आ गया है काकी माँ कि हम आपका ख्याल रखें, कि आपके बच्चे आपका ख्याल रखें। इसीलिए मैं आज के दिन आपको आपकी जिम्मेदारियों से आजाद करवाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप इस घर की बागदौड़ नेहा के हाथ में थमा दें। दे दीजिए उसे इस घर की चाबियों का बोझ नेहा को। ये कैसे हो सकता है निशा बीबी? मैं तेरी भावनाओं को समझती हूँ बेटा, लेकिन तू इस घर की बड़ी बहू है, इस घर की चाबियों पर पहला तेरा हक है। नेहा तो छोटी बहन है मेरी, और बहनों में हक नहीं होता, सिर्फ प्यार होता है। और काकी माँ, मैंने आपसे कहा था कि नेहा की मुंह दिखाई के बाद मैं आपसे नेहा की तरफ से कुछ मांगूंगी और आप इनकार नहीं कर सकती। तो चलिए चाबियां दीजिए नेहा को। इस घर की सारी जिम्मेदारियां मैं तुम्हें सौंप रही हूं, संभालो इन्हें। लेकिन हाँ, इन चाबियों को तो मैं जरूर दे रही हूं तुम्हें, लेकिन मेरा दिल मत मांगना, क्योंकि वो मैं आदि की बीनी को पहले ही दे चुकी हूं। रखो इन्हें, जीती रहो, खुश रहो, सदा सुहागिन रहो। जीते रहे बेटा, खुश रहे। आज तक तो मैंने बीनियों को अपने हक के लिए लड़ते हुए देखा था, आज पहली बार एक बीनड़ी को अपना हक देवरानी को देने के लिए रूठते हुए देखा है मैंने। मान गए शारदा बहन, बहुत किस्मत से निशा बीनड़ी पाई है। वेज मामा, आपने ट्रेलर देखा उस मूवी का? कितना बोरिंग है, सुपर पकाओ। आई हैव अ न्यूज। न्यूज चैनल में मैंने उस पिक्चर का ट्रेलर देखा था। ट्रेलर कैसा भी हो, हम वो पिक्चर जाएंगे, क्योंकि उसमें मेरा फेवरेट सलमान खान है यार। दैट्स इट। हेलो हेलो, क्या आप लोग अपने में लगे हुए हो? अरे कितनी इंपॉर्टेंट न्यूज है, पूछो तो क्या हुआ जॉब के बारे में? दीदी आप ऐसे बात करिए जैसे आपको जॉब मिल गई। हां मिल गई। हां हां, ऐसे बोल रही है कि जैसे कंपनी वाले तेरे लिए थाल में सजाए बैठे। इतनी भी इंटेलिजेंट नहीं है तू। मम्मा, इतनी एक्साइटेड थी मैं जॉब को लेकर, पर इन लोगों को लगता है आई कांट इवन मेक इट। कदर ही नहीं है टैलेंट की। सुनो, तेरी बहन जब हमें उल्लू बनाती तो क्या कहती? एग्जैक्टली। मम्मा थैंक यू। तुझे क्या लगा था हमें पता नहीं? तो किसी चीज के पीछे पड़ जाती है तो उसे हासिल किए बिना नहीं मानती। मम्मा प्लीज, ये सारी बोरिंग बातें मत करो, इतना यम्मी केक खिलाओ मुझे जल्दी। हो गया आप लोगों का, चलो जल्दी निकलो, बाहर जाते हैं, पार्टी करते हैं। मैं कब से वेट कर रही हूं पता है? लेट्स गो। बाहर क्यों जाना, मैं बनाती हूं ना बाहर से भी टेस्टी यम्मी खाना। माँ का ढाबा जिंदाबाद। हेलो, बिल्कुल नहीं, क्या बोरियत वाली बातें कर रही हूं? स्पेशल तो स्पेशल ही खाना बनाऊंगी ना, स्पेशल खाना यम्मी खाना। मतलब दुनिया की सबसे कंजूस माँ मुझे ही मिलनी थी। सीरियसली लड़ क्यों रहे हो? टॉस कर ले। टॉस आईडिया, ठीक है ये लो। प्रिंट चीटिंग मत करना। रेडी? हाँ। या यस 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 यस, बोला था ना पंगा मत लेना मुझे। चलो चलो जल्दी रेडी हो जाओ, पाव भाजी और पानी पूरी दोनों खाएंगे। लेट्स गो। आइसक्रीम भी? हाँ आइसक्रीम भी, मैं चेंज कर रही हूँ, आप भी आ जाओ।
हाउ इज गोइंग? आज पहली बार तुम हमारे घर में खाना बनाने जा रही हो ना, आई एम श्योर तुम बहुत अच्छा खाना बनाओगी। पर एक चीज है जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, जो मैंने इस घर से सीखी है। यू नो, आजकल खाना बनाने की रेसिपी, खाना बनाने के तरीके सब कुछ इंटरनेट पे मिल जाता है, पर एक चीज जो इंटरनेट पे नहीं मिलती वो है खाना बनाने की भावना। खाना टेस्टी मसालों से नहीं बनता, जो खाना बना रहा है उसके प्यार से बनता है। भाभी, I'm so glad कि मुझे एक जेठानी के नाम पे एक बड़ी बहन मिली। आई मीन, आज के जमाने में ससुराल में ऐसा रिलेशन मिलना, ऑल आई कैन से इज दैट आई एम वेरी लकी। आई एम सो लकी कि तुम इस घर में आई हो। पता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी छोटी बहन आई है इस घर में, जो मेरे साथ इस घर को प्यार से बांधने में मेरी हेल्प करेगी। क्या हुआ भाभी, अचानक से आप टेंस क्यों हो गई? नो नो, कुछ नहीं। यू कैन शेयर इट विथ मी, बोलिए ना। वो एक्चुअली मैं काकी माँ के बारे में सोच रही थी। आज मुंह दिखाई पे मैंने उनसे तुम्हें घर की चाबियां एज अ गिफ्ट दिलवा दी थी, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ये गलत तो नहीं हो गया। मतलब तुम अभी नहीं आई हो इस घर में, और काकी माँ का और तुम्हारा ट्रस्ट और वो कंफर्ट नहीं बना है, और ऐसे में वो चाबियां तुम्हारे पास। एक्चुअली मैं इतनी एक्साइटेड हो गई थी ना तुमसे मिलके, कि मैं एक्साइटमेंट में काकी माँ से चाबियां मांग ली, बट अब लग रहा है कि शायद गलती तो नहीं होगी। तो क्या उनको बुरा लगेगा? नहीं नहीं, मतलब सी, काकी माँ दिल की बहुत अच्छी है, मेरे लिए तो माँ जैसी है, लेकिन है तो वो एक इंसान ही ना, और किसी भी इंसान से उसकी पावर छीनती है तो कुछ तो फीलिंग्स आती होंगी। पता नहीं उन्हें बुरा लग रहा है या गुस्सा आ रहा है, और लाइक आई सेड कि तुम्हारा और उनका अभी ट्रस्ट भी नहीं बना है। तो मैं चाबियां उनको वापस कर देती हूँ। नहीं, नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करना, बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आफ्टर ऑल काकी माँ ने ये चाबियां तुम्हें दी तो मुंह दिखाई में एज अ गिफ्ट थी ना। अगर ये चाबियां वापस कर दोगी तो उन्हें लगेगा तुम उनका गिफ्ट ठुकरा रही हो। बस कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा कि वो अपसेट भी ना हो और इंसल्टेड भी ना फील करें। तो हम क्या करें? सोचना पड़ेगा। I really wish कि मैं अपनी छोटी बहन की सारी प्रॉब्लम्स अपने सर पर ले सकती, but don't worry, मैं जरूर कुछ सोचूंगी। तुम खाना बनाओ, forget it। की प्रिंसेस कौन है? मैं। दोनों बुद्धू। अच्छा, पापा की छोटू वाली प्रिंसेस कौन है? मैं। और हैना मोंटाना कौन है? नॉट मी पापा। अरे भाभी जी, काकी माँ ने आपसे पैसे लेने को कहा है, दुकान से कुछ सामान मंगवाना है। ठीक है, मैं लाती हूँ। Thank you.
लड़की का प्रेस। Thank you.